गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, न अध्यापक, न व्याख्याता। दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं। दुनिया की किसी भाषा में इसके समतुल कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि इसके समतुल कोई अनुभूति ही जगत के किसी और हिस्से में खोजी नहीं जा सकी। गुरु बनता है दो शब्दों से, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ है जिसके अंतस का दिया जल गया है, जिसके भीतर रोशनी हो गई, जो सूरज हो गया है, जिसके अंग अंग से, द्वारों से, झरोखों से, संधों से रोशनी झर रही है, और जो भी उसके पास बैठेंगे नहा जाएंगे उस रोशनी में, उस प्रभामंडल से वे भी आंदोलित होंगे। जो स्वर गुरु के भीतर बचा है उसकी चोट तुम्हारे हृदय की वीणा पर भी पड़ने लगेगी। जो गुरु जाना है उसे गुरु जना नहीं सकता, जो जाना है उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसके पास बैठे तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता है और बिना बताए कुछ बता दिया जाता है। उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति तुम्हें तरंगायत कर देती। स्वभाव था रोशनी के पास बैठोगे, अगर आंख बंद करके भी बैठे तो भी रोशनी में नहा जाओगे। संगीत चाहे सुनाई भी ना पड़े तो भी तुम्हारे रोए रोए को स्पर्श करेगा, और सुगंध चाहे तुम्हारे नासापुट सक्रिय ना भी हो तो भी तुम्हारे नासापुटों तक आएगी, तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंचेगी, और सुगंध तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंच जाए तो नासापुट सक्रिय हो जाएगी, और रोशनी तुम्हारे रोए रोए को नहला दे तो आंखें खुल जाएंगी। सुबह देखा नहीं चादर ओढ़े बिस्तर पर पड़े हो और सूरज उगने लगा है, दरवाजे बंद हैं, पर्दे पड़े हैं, और फिर भी पर्दों की संधों से उसकी रोशनी भीतर आने लगी, रोशनी तुम्हारी बंद आंखों पर पड़ने लगी। तत्क्षण कोई भीतर जाग जाता है, तत्क्षण कोई भीतर कहने लगता है सुबह हो गई अब उठो। ठीक ऐसी ही घटना गुरु के सत्संग में घटती। तुम सोए पड़े हो, किसी का सूरज उग गया, उसकी रोशनी तुम्हारी बंद आंखों पर पड़ने लगी। आंखें बंद हो तो भी तो रोशनी बंद आंखों से थोड़ा ना बहुत प्रवेश कर जाती, और उसकी चोट तुम्हें आंखें खोलने को मजबूर कर देगी, विवश कर देगी, आंख खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा हमारा स्वभाव नहीं। अंधेरे में हम पड़े हैं ये हमारी मजबूरी, अंधेरे में हम पड़े हैं क्योंकि प्रकाश से हमारी कोई अभी पहचान नहीं हुई। अंधेरे में हम पड़े हैं क्योंकि प्रकाश से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ, लेकिन प्राणों के गहनतम में प्यास तो प्रकाश की है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, कोई भीतर पुकार ही रहा है कि ले चलो प्रकाश की तरफ, ले चलो अंधकार नहीं आलोक, क्योंकि अंधकार अंधकार ही नहीं है, अंधकार मृत्यु भी है, और आलोक आलोक ही नहीं है, अमृत भी है। अस्तोमा सतगमे, असत से सत की ओर ले चलो, क्योंकि अंधकार से बड़ा असत और जगत में कोई भी नहीं, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, अंधकार बिल्कुल असत है।
इसीलिए तो तुम अंधकार के साथ सीधा कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते। अंधकार को धक्के देकर निकाल नहीं सकते, है ही नहीं तो धक्का किसको दोगे? अंधकार को तलवारों से नहीं काट सकते, है ही नहीं काटोगे किसको? अंधकार के साथ प्रत्यक्ष कुछ भी करने का उपाय नहीं है। अंधकार के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश है और अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है, अनुपस्थिति। अगर अंधकार लाना हो तो प्रकाश बुझाओ, अगर अंधकार हटाना हो तो प्रकाश जलाओ। करना तो प्रकाश के साथ पड़ेगा कुछ। अंधकार बहुत है और फिर भी ना कुछ। अंधकार की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, अंधकार में कोई ठोसपन नहीं। अंधकार सिर्फ गैर मौजूदगी, अभाव, रिक्तता है, असत है। अस्तोमा सतगमे, प्रकाश सत है, इसलिए सारे धर्मों ने परमात्मा को प्रकाश कहा है। सारे धर्मों ने जीवन की परम अनुभूति को प्रकाश की अनुभूति कहा है। और अंधकार अपने में नहीं है, हमारे अंधेपन में, हमारे आंख बंद करने में। नहीं तो प्रकाश से ही भरा है सारा अस्तित्व, क्योंकि सारा अस्तित्व परमात्मा में है। लेकिन मनुष्य की यह स्वतंत्रता है कि चाहे तो आंख खोले और देखे रोशनी को, और चाहे तो आंख बंद रखे और न देखे रोशनी को। मनुष्य की यह स्वतंत्रता है कि फूल खिले हो तो उन्मुख होके खड़ा हो जाए या विमुख होके खड़ा हो जाए, फूलों को देखे या न देखे पीठ कर ले। मनुष्य की यह स्वतंत्रता उसका सौभाग्य भी है और उसका दुर्भाग्य भी। सौभाग्य क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता किसी और प्राणी की नहीं, गरिमा है ये मनुष्य की। और दुर्भाग्य क्योंकि 100 में से 99 इस स्वतंत्रता का उपयोग आत्मघात के लिए करते। ऋषि प्रार्थना करते हैं, ले चलो अंधकार से आलोक की तरफ, ले चलो असत से सत की तरफ। मृत्योर्मा अमृत कमे, ले चलो मृत्यु से अमृत की तरफ। अंधकार मृत्यु भी है, क्योंकि जो अंधकार में जिएगा अंधकार हो जाएगा, जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। यह जीवन का आधारभूत नियम है, जिसके साथ संबंध जोड़ोगे वैसे हो जाओगे। अंधकार से नाता जोड़ोगे अंधकार हो जाओगे, प्रकाश से नाता जोड़ोगे प्रकाश हो जाओगे। गुरु वह है जो अंधकार को अलग करे, इसलिए गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता, इसलिए गुरु का अर्थ अध्यापक नहीं होता, व्याख्याता नहीं होता, आचार्य नहीं होता। गुरु जैसा कोई और दूसरा शब्द ही नहीं, उसका कोई पर्यायवाची नहीं। गुरु शब्द अनूठा है, गुरु को केवल वे ही खोज सकते हैं जिनके भीतर प्रकाश की खोज पैदा हो गई, और जिनको जीवन मृत्यु से घिरा हुआ दिखाई पड़ा है, और जो अमृत की तलाश में निकल पड़े, और जिन्हें ये दिखाई पड़ा है कि यहाँ सब सपना है, असत है, और जिनके भीतर सत्य को जानने की अदम्य अभिलाषा जगी, जिनके भीतर सत्य को पीने की अभीप्सा का जन्म हुआ है, वे ही लोग गुरु को खोज पाते। ऐसे व्यक्ति का नाम ही शिष्य है। फिर याद दिला दे, शिष्य का अर्थ विद्यार्थी नहीं होता। विद्यार्थी हो तो शिक्षक मिलेगा, इससे ज्यादा तुम्हारी पात्रता नहीं। अगर शिष्य हो तो गुरु मिल सकेगा। शिष्य का अर्थ है जो अपना शीस चढ़ा देने को राजी। कुछ चीजें हैं जिनका केवल अनुभव ही हो सकता है, और वे ही चीजें मूल्यवान है। बहुत चीजें हैं जिनका ज्ञान हो सकता है, वे सब बाजारू, उनका कोई मूल्य नहीं। भूगोल है, इतिहास है, और हजारों शास्त्र हैं, उनका ज्ञान हो सकता है। लेकिन प्रेम, प्रार्थना, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, इनका तो अनुभव ही हो सकता है।
जॉर्ज गुरजीएफ इस सदी का एक बड़ा सदगुरु अनेक बार एक छोटी सी कहानी कहा करता था। जब भी कोई नया व्यक्ति उसके पास आता था तो वो कहता था, विद्यार्थी की तरह आए हो कि शिष्य की तरह, क्योंकि फिर वैसा ही व्यवहार हो, क्योंकि फिर वैसा ही स्वागत हो। विद्यार्थी की तरह आए हो तो कूड़ा करकट ज्ञान का तुम्हें संभाल दूं और भागो अपने रास्ते लगो। शिष्य की तरह आए हो तो अपने प्राण तुम्हें सौंप, अपनी आत्मा तुम्हें दे दूं, तो उंडेल दूं अपने को तुम्हारे पात्र में। और वो कहता था, एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी भूल से ईश्वर के पास पहुंच गया। ईश्वर ने कहा, मांग ले एक वरदान, अब तू आ ही गया तो खाली हाथ जाना उचित नहीं। विद्यार्थी के भीतर हजारों प्रश्न उठे। ईश्वर ने देखा होगा उसकी खोपड़ी प्रश्नों से भर गई, झंझावात प्रश्नों के। ईश्वर ने उसे सलाह दी कि देख, ऐसी बात पूछना जिसका उत्तर होता हो, ऐसी बात मत पूछना जिसका उत्तर ना होता हो और केवल अनुभव होता हो। उसने बहुत खोजा और फिर उसने पूछा कि एक ही प्रश्न पूछ सकता हूं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मृत्यु क्या है? उसने इतना पूछा ही था कि ईश्वर ने उठाई तलवार, उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि मृत्यु का तो सिर्फ अनुभव ही हो सकता है, उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था, सोच लेना, अगर गर्दन कटाने की तैयारी हो तो ही शिष्य हो सकते हो, ये कहानी याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनका अनुभव, बस अनुभव ही होता है। शिष्य वह है जो अनुभव की तलाश कर रहा है, जो ईश्वर के संबंध में नहीं जानना चाहता, ईश्वर को जानना चाहता है, जो प्रेम के संबंध में नहीं जानना चाहता, प्रेम को जानना चाहता है, जो प्रार्थना सीखने नहीं आया है, प्रार्थना मैं होने आया है। शिष्य की अंतरात्मा अस्तित्वगत खोज कर रही है, विद्यार्थी बौद्धिक कुतूहल से भरा है। विद्यार्थी कुछ जानकारियां इकट्ठी करेगा और अपने रास्ते पर चला जाएगा। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पंडित होगा, शिष्य प्रज्ञा को उपलब्ध होगा, शिष्य ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते, विद्यार्थी नहीं। और जो शिष्य आज कभी गुरु हो सकता है, विद्यार्थी कभी गुरु नहीं हो सकता है। और ध्यान रहे, जानकारियां ज्ञान जैसी ही मालूम होती, बस जैसी ही, ज्ञान नहीं हो सकती, बस ज्ञान जैसी मालूम होती, झूठे सिक्के जो असली सिक्कों जैसे मालूम होते। गुरु को खोजो, लेकिन तभी खोज सकोगे जब तुम्हारे भीतर प्रकाश को खोजने की आकांक्षा उमंगने लगी हो, सत्य को पाने की प्यास तुम्हारे कंठ में अनुभव होने लगी हो, अमृत को जानने के लिए ऐसा अदम्य वेग, ऐसी त्वरा पैदा हो रही हो कि अगर गर्दन भी चढ़ानी पड़े तो तुम तैयार हो जाओ। गुरु प्रताप साध की संगति, गुरु महिमा है, एक रोशनी, एक प्रताप, एक प्रकाश, एक चमत्कार, उसका होना इस जगत में एक अपूर्व घटना है, अद्वितीय। वैसे फूल रोज रोज नहीं खिलते, सदियां बीत जाती तब कभी कोई सदगुरु होता है। इसलिए सदगुरुओं को पहचानना ही हम भूल जाते, क्योंकि सदियों तक पहचान नहीं होती। सदियों तक तो पंडित पुरोहितों से हमारा संबंध होता है, और फिर जब सदगुरु आता है तो हम पहचान ही नहीं पाते। पहचानना तो दूर, हम नाराज होते, नाखुश होते, हम दुश्मन हो जाते, क्योंकि हमारी तो सारी जानकारी पंडित पुरोहित की होती, और सदगुरु पंडित पुरोहित से बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। धन्य भागी है वे जो गुरु प्रताप की छाया में आ जाएं।
भीखा का ये वचन बड़ा प्यारा है, गुरु प्रताप साध की संगति, गुरु की आभा से मंडित हो जाओ, और गुरु की आभा से जो मंडित हुए साधु हो उनमें डूब जाओ, एकलीन हो जाओ। किसी बुद्ध को पकड़ लो और किसी बुद्ध के क्षेत्र में डुबकी मार जाओ, फिर शेष सब अपने से हो जाता है। परमात्मा को खोजने कोई सात समंदर पार नहीं जाना है, परमात्मा को खोजने कोई कैलाश काशी और काबा नहीं जाना है। परमात्मा वहां है जहां कोई सदगुरु है, जहां साधुओं की संगत है। परमात्मा वहां है जहां दीवाने बैठकर उसके रस को पी रहे हैं, जहां भंवरे इकट्ठे हुए और परमात्मा को पी के गीत गा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, जहां किसी एक जले हुए दिए के पास और दिए सरक सरक के जलने शुरू हो गए, जहां एक दिए के आसपास और बहुत दिए जल उठे, जहां दीपावली हो गई, गुरु प्रताप साध की संगति, वहां प्रवेश कर जाना। ऐसा द्वार मिल जाए तो छोड़ना ही मत, कीमत जो भी चुकानी हो चुका देना, क्योंकि हमारे पास चुकाने को भी क्या है, खाली है, नंगे है। हमारी गर्दन भी ले ली जाए तो हमारा खोता क्या है, गर्दन तो आज नहीं कल मौत ले ही लेगी और बदले में कुछ भी ना देगी। गर्दन की कीमत ही क्या है। एक सूफी फकीर को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया। मस्त फकीर था, पुष्ट उसकी देह थी, बलिष्ठ उसकी देह थी। उन लुटेरों ने पकड़ के सोचा कि चलो बेच देंगे, उन दोनों गुलाम होते थे दुनिया में, ऐसे तो अब भी होते हैं, सिर्फ नाम बदल गए। जब तक दुनिया में राजनीति है तब तक गुलाम होते रहेंगे, क्योंकि राजनीति गुलामों पर जीती। नाम बदलते जाते हैं गुलामी के, पुराना लेबल अखरने लगता है, नया लेबल लगा देते। लाल रंग की गुलामी पीले रंग की गुलामी हो जाती, पीले रंग की गुलामी हरे रंग की गुलामी हो जाती। मंदिर का गुलाम मस्जिद चला जाता, मस्जिद का गुलाम चर्च चला जाता, बस गुलामी चलती रहती। एक कारागृह से दूसरे कारागृह में लोग उतरते जाते और इसको सोचते स्वतंत्रता, क्रांति। गुलामी तो सदा रही पर उस दिन बहुत प्रकट थी, उन दिनों बहुत प्रकट थी। लोग बाजारों में बिकते थे जैसे सामान बिकता है, बिकते तो अब भी है लेकिन जरा परोक्ष, आदमी जरा होशियार हो गया है, सीधे सीधे नहीं खरीदता। बाजार में टिकटी पे खड़े होकर दाम नहीं लगाए जाते, दाम तो अब भी है आदमियों के, और छोटों के नहीं बड़े बड़ों के भी दाम है। कोई हजार में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है, कोई लाख में बिकता है, कोई 10 लाख में बिकता है। बिक्री तो हो ही रही लेकिन अब बिक्री बाजार में नहीं होती, नीलामी बहुत जाहिर नहीं होती, इसका विज्ञापन नहीं होता, ये सब चुपचाप होता है। गणित अब जरा घूम फिर के बैठता है, सीधा नहीं। उन दिनों सीधी सीधी गुलामी थी, सोचा बेच लेंगे फकीर को, मस्त आदमी है, दाम भी ज्यादा मिल जाएंगे। चले लेकर उसे, उसके हाथों में जंजीरें बांधते तो उसने कहा नाहक मेहनत करते हो, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, तुम क्यों जंजीरें बांधते हो? जंजीरें बांधने की कोई जरूरत नहीं, जहां कहो वहां चलो, क्योंकि मैंने तो अपने को उस पे छोड़ दिया है, वो जहां ले जाए। अब तुम्हारे हाथ में डाल दिया तो उसकी मर्जी होगी, थोड़े लुटेरे झेपे तो संकोच भी खाए, आखिर आदमी थे, आखिर बुरा से बुरा आदमी भी तो आदमी ही होता है। आदमियत बिल्कुल तो किसी में कभी मर नहीं जाती, कहीं ना कहीं तो बीज दबा ही पड़ा होता है। और इस आदमी ने कहा इतना तो भरोसा करो, भाग नहीं जाऊंगा मैं तो, उस पर छोड़ चुका हूं, अब जो उसकी मर्जी। चल पड़ा साथ। रास्ते में धनपति गुजरता था, उसने अपनी डोली रुकवाई और कहा कि मामला क्या है, क्या इस आदमी को बेचना? लाख रुपए देने को मैं तैयार। लाट टपक गई उन लुटेरों के मुंह से, तो लाख की तो सोची भी ना थी, सोचते थे 10-5 हजार मिल गए तो बहुत। एकदम बेचने को तैयार हो गए, लालायत हो गए। उस फकीर ने कहा ठहरो, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं, जरा रुको, जल्दी मत करो, अभी और भी ग्राहक आएंगे।
जब ठीक ठीक कीमत लगेगी तब मैं तुम्हें कह दूंगा कि ये रही ठीक कीमत, अब बेच दो। मान ली फकीर की बात, क्योंकि बात में उसके बल था। लाख रुपए जब कोई दे रहा है, पता नहीं कोई 2 लाख देने वाला मिल जाए। आगे बढ़े। आगे एक वजीर अपने घोड़े पर सवार शिकार को निकला तो सुन, रुको इसको बेचना तो नहीं। आदमी मस्त तो शानदार दिखाई पड़ता। 2 लाख रुपए दूंगा। फकीर ने कहा, सुना मगर बेच मत देना, जल्दी ही वो आदमी मिलने वाला है जो तुम्हें ठीक ठीक दाम चुका देगा। तो अब तो मान ही लेना पड़ा, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख हो गई बात। अब पता नहीं कितनी हो जाए, 10 लाख हो जाए। खूब हीरा हाथ लगा है। और तभी एक घसियारा मिला रास्ते में। उसने कहा, क्या इस आदमी को बेचना है? उन लुटेरों ने कहा, जा तू क्या खरीदेगा, बड़े धनपति और बड़े वजीर भी नहीं खरीद सके, रास्ता लग। फकीर ने कहा, पहले पूछ तो लो कितनी कीमत चुकाता है। उस घसियारे ने कहा, कीमत ये घास का गट्ठा ले लो और आदमी दे दो। हंसने लगे लुटेरे, लेकिन फकीर ने कहा, हंसो मत, ये ठीक कीमत है, इससे ज्यादा मेरी खोपड़ी की और क्या कीमत हो सकती। आज नहीं कल मरूंगा, इतनी भी कीमत कोई देगा नहीं, ले ही लो। तब तो उन लिटोरों ने सिर पीट लिया कि हम भी किस पागल की बातों में पड़े। पछताने लगे बहुत, लेकिन फकीर ठीक कह रहा था, मर जाओगे तो कितनी कीमत होगी इससे की? कोई 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं होगी, और मौत तो आने ही वाली। शिष्य वह है जो यह देखकर कि मेरी अपने में तो कोई कीमत वैसे भी नहीं है, किन्हीं चरणों में रख दू सब, शायद ऐसे पारस का परस हो जाए और लोहा सोना हो जाए। लोहा सोना होता है गुरु प्रताप साध की संगत।